नमस्कार दोस्तों, ढियो समय प्रति चल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष मैं फिर से हाजिर हूँ। और आज का दोस्तों टॉपिक है कॉलिक। कॉलिक माने जिसको बोलते हैं पेट दर्द होना, स्टमक पेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कॉलिक भी बोलते हैं, पेट में दर्द भी बोलते हैं। दोस्तों पेट में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पेट दर्द क्यों होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। पेट दर्द को ठीक करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उन तीन इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। किसी भी तरीके का पेट दर्द अगर हो रहा होगा तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों पेट दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। मेन कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, एक किडनी स्टोन होने की वजह से भी पेन हो सकता है। क्यों? जब हमारा यूरेटर का जहां पर माउथ यानी कि कैलिक्स एरिया, जो हमारा किडनी का कैलिक्स एरिया है और यूरेटर का जो माउथ है, वहां से जब स्टोन निकलने का कोशिश करता है, इसलिए कभी भी बड़ा अगर स्टोन होगा तो दर्द नहीं होगा पेट में या स्टमक में। दर्द कब होगा? जब स्टोन का साइज छोटा होगा, यूरेटर में जब घुसने की कोशिश करेगा तब वो पेन होगा। उसी में नेफाइटिस भी बोलते हैं। मतलब पेन इतना ज्यादा होगा, अनबेरेबल कंडीशन में होगा। कभी कभी यूरेटर में घुसने का कोशिश करता है और यूरेटर को डैमेज करता है तो यूरिन के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। गॉलब्लैडर स्टोन होने की वजह से भी पेन हो सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि गॉलब्लैडर के अंदर में स्टोन है, वो तो निकल नहीं पाता है। साइज एक समय धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है कि जो हमारा बाइल डक्ट है वहां से बाइल अंदर जा नहीं पाता है, और वो एक स्टोन का जो, अब स्टोन कैसे बनता है सभी को पता है, उसमें धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्सीलेट इकट्ठा होता चला जाता है और वो स्टोन का फॉर्म ले लेता है। ये भी पेट दर्द होने का एक कारण हो सकता है। तो एक मैंने बताया किडनी स्टोन होने की वजह से भी पेन हो सकता है, फिर गॉलब्लैडर में स्टोन होने की वजह से भी दर्द होता है, नेक्स्ट पीरियड पीरियड पेन जिसको हम लोग मेंसेस पेन भी बोलते हैं। ये महिलाओं में दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, मेंसेस के टाइम भी, मेंसेस यानी कि बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, आफ्टर मेंसेस भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, कभी कभी हमारे को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक हो जाता है, कभी कभी हमारा एपी गैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज्यादा हम गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, कभी कभी होल एब्डोमन में भी हमारा बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाता है, गैस का कलेक्शन हो जाता है, कभी कभी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में भी बहुत पेन होता है। तो दोस्तों स्टमक में, पेट स्टमक में या पेट में दर्द होने का या पेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब अगर मैं ये बात करता हूं कि दर्द की दवाइयां मेनली कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों दवाइयां तो बहुत होती हैं, बट हम तीन से चार मेडिसिन आपको बताएंगे जो बहुत इफेक्टिव होंगे। सिर्फ मैं तीन मेडिसिन बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा आपको तभी समझ आएगा। तो दोस्तों अगर मैं दर्द की बात करूं तो लोग आर्सेनिक एल्बम का भी प्रयोग करते हैं, पल्सरटिला का भी प्रयोग करते हैं, नक्स वोमिका का भी प्रयोग करते हैं, एकोनाइट का भी प्रयोग करते हैं, पोडोफाइलम का भी प्रयोग करते हैं, डलकामारा का भी प्रयोग करते हैं, कैमोविला का भी प्रयोग करते हैं, ब्रैडियम का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं पेन की बात करता हूं तो पेन के लिए ढेर सारी मेडिसिन है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा और इफेक्टिव जो मेडिसिन है वो मैं आपकी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहली मेडिसिन है मेटफॉस। मेटफॉस का जो पेन होगा ऑलवेज बेटर फ्रॉम प्रेशर। जहां पर पेन हो रहा है, अगर यहां पर पेन हो रहा है तो दबाने से आपको आराम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा, गरम देने से या गरम एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं हॉट एप्लीकेशन देने से भी, हॉट मींस गरम वाटर से सिकाई भी कर सकते हैं,
आप देखा होगा कि जब भी कभी स्टमक में कुछ ऐसा पेन होता है तो लोग एक ग्लास का बोतल पूरा लेते हैं, उसके अंदर में हॉट वाटर देते हैं और पर्टिकुलर उस एरिया में रोलिंग करते हैं जहां पर पेन होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बेटर फ्रॉम वार्म, गरम सेक देने से, गरम देने से उसको आराम मिलता है और भी उसको अच्छा फील होता है, पेन में और भी आराम मिलता है। वो क्या होता है, बेटर फ्रॉम रबिंग, उसमें थोड़ा मसाज करने से जहां पर भी पेन हो रहा है बहुत अच्छा लगता है और दर्द में भी कमी आती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो मैंने मैकफॉस में बताया कि बेटर फ्रॉम प्रेशर दबाव देने से, दबाने से, बेटर फ्रॉम गर्म अप्लीकेशन देने से, फिर रबिंग करने से, वार्म ड्रिंक गर्म पीने से यानी कि गुनगुना पानी या गुनगुना चाय या गुनगुना मिल्क जिसको बोलते हैं ल्यूकवार्म वाटर, ल्यूकवार्म मिल्क, ये सब पीने से उसको बहुत आराम मिलता है। अभी जो मैंने जिक्र किया था हॉट वाटर बोतल, गर्म पानी एक कांच की बोतल में भर के उसको हम रोलिंग कर सकते हैं एज ए लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग करने के लिए, यानी कि जब आपको कोलिक या स्टमक पेन हो रहा हो। नेक्स्ट है बेंड डबल, जिसको बोलते हैं डबल बेंडिंग, फिगर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। खास तौर से बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो डबल बेंडिंग करके वो लेटे हुए रहते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं घुटने के बल लेटना। नेक्स्ट है क्रैम्पिंग पेन, दोस्तों मैकफॉस में सबसे अच्छी जो पहचान है क्रैम्पिंग पेन, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है ऐसा अगर हो तो हम मैकफॉस इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये मैकफॉस आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इस कंडीशन में अगर हम मैकफॉस देंगे तो पेन हमारा 100% हो जाएगा। तो क्रैम्पिंग पेन मेन है, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम कपड़ा निचोड़ते ऐसा पेन अगर होता है तो मैकफॉस बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों स्टमक पेन में कैमोमिला भी मेडिसिन बहुत अच्छी है। किनको ज्यादा फायदा करती है, जो एंगर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले, बहुत ज्यादा क्रोधित होने वाले, और ज्यादा तो देखा होगा कि बच्चों में ऐसा होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत उन्हें गुस्सा भी होता है। बच्चे रो रहे होते हैं लेकिन किस लिए रो रहे होते हैं हमको पता नहीं लगता, बट बाद में देखा जाता है कि वो पेन की वजह से, पेन ठीक, रोना उनका बंद। ठीक है दोस्तों, तो मैकफॉस के ये सिम्टम्स आपके, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो पेन की पहली मेडिसिन कौन सी हुई, मैकफॉस। अब प्रोटेंसी की अगर बात करते हैं तो प्रोटेंसी हम 200, थोड़ा हायर प्रोटेंसी हम इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार तक हम ले सकते हैं। ठीक है, पेन अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही डोज से अगर ठीक हो जाता है तो हमें नेक्स्ट डोज लेने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर पेन में थोड़ा रिलीफ होता है तो हम नेक्स्ट डोज को भी हम रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे ही मुझे रिलीफ मिलेगा हम उसको बंद कर देंगे, कंटिन्यू किसी मेडिसिन को हम नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं पेन की बात करता हूं वो है कैल्कुलस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पेन होगा, मान लेते हैं किसी को किडनी स्टोन है या गॉलब्लैडर स्टोन है, और इसमें जो दर्द होगा ऐसा लगेगा कि पेट हमारा पूरी तरीके से भरा हुआ है। स्टोन जब किडनी में, किडनी के यूरेटर में घुसने की कोशिश करता है, गॉलब्लैडर का तो निकल ही नहीं पाता है क्योंकि जो गॉलब्लैडर की एनाटॉमी है वो ऊपर की तरफ है, जस्ट ये ऊपर की तरफ आना मुश्किल है, बट अगर जो डाउनवर्ड है वो किडनी में है हमारी, तो किडनी से, किडनी में अगर स्टोन बन भी गया है तो वो कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको आराम कब मिलता है, जब ये वन साइडेड एक तरफ वो लेट जाता है। ठीक है, आवाज से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी भी अगर आवाज आएगी तो उसको बहुत तकलीफ होगा। तो ये कैलकुलस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर पोटेंसी की मैं बात करूं, जैसे मैं मैकफॉस की बात कर रहा था, 200 भी ले सकते हैं, 1 mg भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
बहुत ज्यादा एक्यूट है, सीवियर है और टोटली उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हम 1 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पेन की जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कोलोसिंथिस। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पेन में आराम मिलेगा वो बैंड होने से, नीचे की तरफ अगर बैंड होगा तो उसको अच्छा फील होगा। तो यानी कि नीचे झुकने से अगर पेन अगर हो रहा है, इनकी आराम मिल रहा है, उस कंडीशन में हमारी कोलोसिंथ बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब या उसमें हार्ड प्रेशर अगर दिया जाए उस कंडीशन में भी ये कोलोसिंथ बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी क्रैम्पिंग पेन, जैसे मैकफॉस में क्रैम्पिंग पेन था, इसी तरीके से क्रैम्पिंग पेन यहां भी है। ठीक है दोस्तों, तो कोलोसिंथ नीचे झुकने से उसको आराम मिलता है, दैट इज कोलोसिंथ। नेक्स्ट जो सिम्टम्स बताया था, क्रैम्पिंग पेन, कटिंग पेन, जैसा लग रहा है कोई चीज काटी जा रही हो आरी की तरह, क्राइपिंग बहुत कष्टदारी पेन जिसको होता है उसको बोलते हैं, पिंचिंग चुटकी काटने वाला दर्द, नेक्स्ट है स्क्विश्ड निचोड़ने वाला दर्द। जैसा क्रैम्पिंग पेन बताया था, जब कोई कपड़ा निचोड़ा जाता है इस टाइप का अगर दर्द होता है तो दैट इज अ कोलोसिंथ। इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट पेन, जो लगातार दर्द होता हो, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है जिनको, जो क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, उनके लिए मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। किसी किसी को सैटिक पेन भी होता है, यानी कि सैटिक नर्व्स के थ्रू जो पेन होता है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये पेन के लिए मैंने 3 मेन मेडिसिन बताई। पहली मैंने बताई मैकफॉस, दूसरी कॉकुलस, तीसरी कोलोसिंथिस। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन है, बट मैंने वो 3 मेडिसिन इंपॉर्टेंट बताई हैं जो हमारे लिए इफेक्टिव है। किसी भी तरीके का अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ये 3 मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन अगर है तो इस दर्द को कंट्रोल कर लेता है। तो आई थिंक दोस्तों ये जो मैंने कोलिक, स्टमक पेन या पेट दर्द के लिए जो मैंने ये वीडियो बनाया, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को, जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।